ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। सो इक्वेशन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। अब ये है हमारे पास इक्वेशन, हमें इसमें से m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, वेरिएबल एक साइड ले लेंगे और कॉन्स्टेंट एक साइड, तो 3m इधर ले जाते हैं, इधर जाके 3m क्या हो जाएगा माइनस 3m, और माइनस 8 अपॉन 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 5। अब 5m में से 3m माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 2m, और यहाँ पे क्या है 8 अपॉन 5। सो अब ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन 2, यहाँ पे m एज इट इज़, तो 2 1 जो 2 2 4 दैट, तो अब m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 अपॉन 5। अब चेक करने की जो वैल्यू है ये करेक्ट है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे LHS में और RHS में पुट करेंगे। सो LHS क्या है 3m, अब पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 वैल्यू पुट करते हैं, सो 3 4 अपॉन 5, सो 4 1 4 4 2 दैट 4 3 जा 12, सो हमारे पास LHS क्या आ गया 12 अपॉन 5। अब देखते हैं कि RHS क्या है, RHS भी इतना आ पाता है या नहीं। अब RHS पे चलते हैं, इक्वेशन क्या है 5m माइनस 8 अपॉन 5, अब m की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, सो पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो वैल्यू पुट करते हैं 5 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5, तो ये तो 5 से 5 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 4 माइनस 8 अपॉन 5, अब इसका हम सॉल्व करते हैं, इसके नीचे ऑब्वियसली 1 है कुछ नहीं बचा, सो 5 वन द 5 एंड 5 फोर द 20 माइनस 8 अपॉन 5, 20 में से 8 गए 12 अपॉन 5। अब LHS क्या आया था 12 अपॉन 5 और RHS भी क्या आया है 12 अपॉन 5, इसका मतलब कि LHS किसके इक्वल हो जाएगा, LHS RHS के इक्वल आ गया। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया तो इक्वेशन क्या है वेरीफाइड, सो हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 10। सो अभी हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 है कंप्लीट है, हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं चैप्टर नंबर 2 की, और 3 एक्सरसाइज अभी पेंडिंग है 2.4 2.5 एंड 2.6। अब अपनी नेक्स्ट वीडियोज में हम 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।